नवा के नवाब के क्या हाल है आपके। तो गाइस वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकली पब्लिक देख रही है। चले ये कौन चूती है जो ऐसा व्लॉग बना रहा है। वेलकम बैक टू अवर व्लॉग गाइस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी हम आए हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे CST और उसके बाद बोरा बाजार। और ये वीडियो दो तरीके से बनने वाली है, पहले बोरा बाजार जाऊँगा फिर पता नहीं कहाँ जाऊँगा। लेट्स गो। अच्छा कैमरा है। तो अभी मैं तुम लोगों को एक दिखा रहा हूँ, वो अंकल झंकाड़ी में हल्का हो रहे हैं और यहाँ पे लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म के वो फ्लाईओवर छोड़ के यहाँ पे पब्लिक जो है हर बार की तरह यहाँ पे रेलवे स्टेशन के ट्रैक से क्रॉस कर रही है, इस तरफ से उस तरफ जा रही है। और एक अंकल झंकाड़ी में मस्त हल्के हो रहे, देखो तुमको जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में दिख रहे ना अंकल। और यहाँ पे तुम्हारा भाई नाइकी का शूज पहन के निकल पड़ा है। अब जैसे कि देख सकते हो अभी हम लोग है कोपर स्टेशन पे, ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि रेलवे स्टेशन की ट्रेन की आवाज इतनी ज्यादा रहती है ना कि तुमको मेरी आवाज नहीं आएगी। यहाँ पे हमने ले लिए हमारा 2 समोसा, 3 समोसा खाएंगे। समोसे में सबसे ज्यादा मेरे को मिर्ची दिख रही है चटनी के नाम पे, लेकिन कुछ खाएंगे और यहाँ से हम बोरा बाजार के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टूर है ना वो ट्रैवल जो खत्म होने वाला है, हम जा रहे बोरा बाजार माइक लेने। ऐसा माइक लेंगे जो कि भाई आशीष चंचलानी मुंबई का कैबिन में आती और सारे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स लेते हैं उसके पास से। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सफर कुछ इस तरह से स्टार्ट हो चुका है। पीछे ट्रेन जा रही, मैं खा पी के बैठा हूँ। अब तुम्हारा भाई ट्रेन में बैठ चुका है, ट्रेन में कुछ गुफ्तगू चल रही है, आपस में बातचीत लोगों की चल रही है, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। देखो मुंबई लोकल में सीट मिलना, विंडो सीट मिलना भाई ऐसा है जैसे कि रेगिस्तान में सुई ढूंढना। लेकिन देखो तुम्हारा भाई जितना कोई हार्डिच नहीं है। हम यहाँ पे पलाटी मार के बैठ चुके, बैग ऊपर रख दिए है और हमारा सफर यहाँ पे शुरू हो चुका है। और मैं सफर में बार बार सेल्फी पे फालतू गिरी कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। और बाजू में जो तुमको अंकल दिख रहे हैं ना, बार बार मेरी गोदी में आके सो जा रहे थे, मेरे कंधे पे सर रख के मैं उनको बार बार बोलना पड़ा अंकल आप हट जाओ, अंकल आप प्लीज़ मेहरबानी करो, अंकल प्लीज़, अंकल प्लीज़, अंकल प्लीज़ प्लीज़ के चक्कर में अंकल ने पूरे मेरे दिमाग की हटा दिए थे पूरा सफर। फिर खैर कोई बात नहीं, अंकल एक जगह उतर गए। और यहाँ पे तुम्हारा भाई लास्ट स्टेशन CST स्टेशन पे आने वाला है और पूरी की पूरी ट्रेन खाली यहाँ पे हो गई है। ये लास्ट स्टेशन है मुंबई लोकल का CST का। मैं CST स्टेशन की वीडियो नहीं बना सकता, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। तो अब यहाँ पे हम उतरेंगे और तुमको कुछ चीज़ें दिखाएंगे क्योंकि स्टेशन की वीडियो नहीं बना सकता, इसके लिए हम इसको स्किप करेंगे, डायरेक्ट तुमको आखिरी स्टेशन पे ले जाके और बोरा बाजार पहुंचाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मुंबई लोकल दिख रही है। तुम्हारा भाई हीरो नहीं बनेगा, आगे नहीं जाएगा, थोड़ा पीछे ही खड़े हैं। वाइड एंगल की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आगे हूँ लेकिन तुम्हारा भाई 1-2 फीट पीछे ही है। और ट्रेन ये देख सकते हो लोकल ट्रेन किस परिस्थिति के हिसाब से खाली हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा स्टेशन आने वाला है CST और CST के बाद हम यहाँ से पहुँच जाएंगे बोरा बाजार। तो अब हम लोग आ चुके हैं CST पे, ठीक है, और अब यहाँ से जाएंगे बोरा बाजार, ठीक है। उसका रास्ता आगे की तरफ है और देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं। लोग फुल फोटो वीटो खिंचा रहे हैं और धूप आ रही है दबा के। एक बार साइड व्यू तो तुम लोगों को CST दिखाता हूँ मैं। वो देखो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ ये है CST। फुल निपीज यूपी के बंदे लोग आके यहाँ पे फोटो वीटो खिंचाते रहते हैं, अपना तो डेली का आवन जावन है। और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे CST के लिए, ठीक है। रोड देख रहे हो भाई, चकाचक रोड। और यहाँ पे हम जाएंगे CST। नाइस। वो देखो भाई CST, ठीक है। और ये मैडम मेरे से पूछ रहे थे कि भाई चर्च गेट के लिए कहाँ मिलेगी, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं रहता, यहाँ पे हर कोई बंदा नया रहता है। ओ भाई साहब, सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचाए, खैर हम आके बाद में खिंचाएंगे फ़ोटो। ये है CST मुंबई की जान, सबसे मेन चीज़ पता है ना तुम लोगों को। अब यहाँ पे रास्ते का माना सस्ते में ही मिलेगा और क्या मिलेगा यहाँ पे, देखते हैं हम क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। एक्चुअली मेरे को ट्राईपॉड थोड़ा वियर्ड लगता है व्लॉग बनाने, बट लेट इट बी। इधर तो देखो चड्डा वड्डा मिल रहा है भाई। ये बता दो बोरा बाजार किस तरफ पड़ेगा। बस बस अभी अपन यहाँ से जाने वाले बोरा बाजार और मेन चीज अपने को जो चाहिए ना वो चाहिए भाई। नींबू पानी कितने गए, एक ग्लास दो ना। पहले यहाँ पे नींबू पानी पियेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। छाव में आ जाओ जरा, चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं, वहाँ से वहाँ तक का बाजार लगी हुई भाई साहब। सिग्नल सिग्नल सिर्फ उन लोगों के लिए है,
और मेरे पीछे एक निब्बी बती आ रही है अपने छावे से, बतियाने दो एक टीशर्ट चेक करूँ या कितने बती है भाई, कितने वाली है? 200 वाली है, 150 वाली टी शर्ट 200 रुपये में दे रहे हैं यहाँ पे। वो जो बंदा है यहाँ बता रहा था कि यहाँ पे होगी बोरा बाजार, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भाई बोरा बाजार किस तरफ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा कि इधर पड़ेगा? हाँ हाँ वो गली है। तो बोरा बाजार तो अभी तक मेरे को मिला नहीं, चूतिया बना दिए सब लोगों ने मिलकर, एक साथ ऐसा लग रहा है। कोई बोल रहा है वो गली में, कोई बोल रहा है ये गली में, लेट्स सी कौन सी गली में मेरे को बोरा बाजार मिलता है। और यहाँ पे भी देखो ठंडी का ये सब चाइना नेपाल लो वाले, क्या क्या है भाई यहाँ पे। भाई बोरा बाजार किस तरफ पड़ेगा? बोरा बाजार के सामने दिखाया कर दीजिए। ओके थैंक यू। ये देखो जिग 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 कॉफी शूज। मेरे ख्याल से हम लोग बोरा बाजार में आ चुके हैं, लाइन पूरी बोरा बाजार वाली है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। वैसे थोड़ा पूछते पूछते भी आ जाओगे बाजी पूरी खाते खाते। अब ढूंढेंगे अपने को बोरा बाजार में शॉप ढूंढना है। तो एट दी एंड मेरे को शॉप मिल गई बैग जोन, यहाँ से ऊपर जाना है तुमको सेकंड फ्लोर पे बैग जोन, मतलब बैग वैग भी मिलता है लेकिन वो दूसरी बैग की दुकान है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड फ्लोर पे जैसे जाओगे तुमको एक गली कुछ ही दिखेगी और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्टफ्स मिलेंगे और एकदम महंगे वहाँ पे देख सकते हो। तो जहीर भाई भी, क्या नाम है उनका, नाराशीद भाई भी है, और ये वही है जो भाई मुंबई का नहीं आशीष चंचलानी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग को देते। और तुम्हारे भाई को सिर्फ पसंद आया तो K8 और K9 पसंद आया, उससे मैं फिलहाल रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को। और बाकी माइक एक से एक माइक मिलते हैं, लेकिन तुम्हारा बजट होना चाहिए दबा के, मतलब एकदम बेहतरीन वाला बजट होना चाहिए, 10,000 का 15,000 का। पहले हम लोगों ने ये वाला माइक चेक किया। हेलो 1 2 3 4 K8 माइक वायरलेस माइक हम लोग चेक कर रहा हूँ, इसमें कैसा क्वालिटी आ रहा है देखते हैं, लेट्स चेक द क्वालिटी। नमाकिन अब आपके क्या हाल है आपके? तो गाइस वेलकम बैक, तो अभी यहाँ पे माइक चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हेलो लेट्स मी चेक द माइक एंड बैकग्राउंड वॉइस। फिर उसके बाद एक और माइक हम लोगों ने चेक किया जिसकी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, जो भाई तुम्हारे भाई के हाथ में, इसका नाम है प्रो फोकस। तो ये आईफोन में शायद सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ हुई नहीं भाई रिकॉर्ड, पता नहीं क्यों नहीं हुई, मेरे को लगा था हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। हेलो। फिर तुम्हारा भाई दूसरा अपना खुद का माइक निकाला और चेक किया, तो उसकी रिकॉर्ड हो रही थी, मजा आ गई, मतलब ठीक है बढ़िया है। फिर आप ब्लॉग खत्म करके, और तुम लोग पूछना चाह रहे हो कौन सा माइक खरीदा, तो मैंने खरीदा है K8 K9 दोनों खरीदा, डबल वाला खरीदा ताकि एक से खत्म हो जाए तो दूसरे से रिकॉर्डिंग चालू कर जाए। तो इसी के साथ हम ये वाले ब्लॉग को समाप्त करें, रुको जरा सबर करो माइक चेकिंग हो जाए। कुछ नहीं यार मिला ही नहीं जो चाहिए, और यहाँ से हम नीचे उतर गए, उसके बाद वापस से कच्चा लेने चले गए, बोला कि भाई कुछ बचेंगे जिंदगी में। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हुए कुछ खास मिला नहीं मेरे को और कुछ समझ में आया नहीं क्या करना चाहिए या क्या नहीं। बाय। ये था तुम्हारे भाई का व्लॉग, ठीक है, और अब हम रोड क्रॉस करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। CST वापस और यहाँ से घर को। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और क्या बोलते बस अब यहाँ से घर को जाएंगे, और उसके बाद अब जो हमारा नया व्लॉग रहेगा वो आने वाला है मस्जिद बंदर, यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल पार्ट वन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। माइक जैसे कि तो मेरे को वैसा मिला नहीं, और जो माइक है वो कम से कम 30,000 रुपये के माइक है, ठीक है, तो भाई अपने बजट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, शरा काम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ से चुपचाप चल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पे सीएसटी से जानिब सी एस टी